महामारी के चलते पूरे देश में खौफ का माहौल जारी है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई थी कि दिल्ली के हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन लगातार खत्म हो रही है और तकरीबन 5 से 8 घंटे का स्टॉक बचा है, जिसके बाद न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश के कई इलाकों में ट्रेन द्वारा ऑक्सीजन भेजी गई। वहीं इसी बीच महाराष्ट्र के नासिक में एक बड़ा हादसा हो गया। एक बड़ी खबर सामने आ रही है नासिक के डॉक्टर जाकिर हुसैन हॉस्पिटल से, जहां ऑक्सीजन टैंक लीक हो गया और उसके बाद 22 मरीजों की जान चली गई। वहीं शुरुआती रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि 12 लोगों की हालत काफी ज्यादा गंभीर है। दरअसल जब ऑक्सीजन टैंक से ऑक्सीजन हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया जा रहा था, इसी बीच भराव के दौरान यह रिसाव हुआ। इस लीकेज की वजह से ऑक्सीजन हॉस्पिटल में फैल गया और मरीजों तक नहीं पहुंच पाया, जिसके बाद तकरीबन 22 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। पूरे मामले में खबर सामने ये आई है कि जिस वक्त ये लीकेज हुई, उस वक्त 25 से ज्यादा मरीज वेंटिलेटर पर थे और उनका इलाज जारी था। ऑक्सीजन की सप्लाई ठप होने से उनकी जान चली गई। हालांकि नासिक के इस हॉस्पिटल, जिसका नाम डॉक्टर जाकिर हुसैन हॉस्पिटल बताया जा रहा है, ऑलरेडी 60 मरीज ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन दी जा रही है। महामारी के दौरान लापरवाही के चलते एक बड़ा मामला सामने आया है जो वाकई चिंतनीय विषय है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश जारी किए हैं। साथ ही साथ राज्य AFD मंत्री राजेश शिंगड़े ने कहा है कि हम इस पूरे मामले की जांच करेंगे और आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए काम किया जाएगा। उन्होंने आगे अपने बयान में कहा कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। शुरुआती जांच में पता चला है कि 11 लोगों की जान गई है। हम एक डिटेल रिपोर्ट पाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ हमने उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी जारी किए हैं। साथ ही साथ राज्य मंत्री ने ये भी कहा है कि जो भी जिम्मेदार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।